हाँ तो भाई लोग यार कैसे, उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे और गुरु सर के एक नए गाने का वेट कर रहे होंगे जो फाइनली यार रिलीज हो गया, जिसका नाम है डूब गए। और फाइनली मतलब यार गाना अब आ गया है, आप लोग तो सुन सकते हो, टीसी रिलीज पर मिल जाएगा। हम बात करने वाले गाना हमें कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया और कितना मजा आया, फिर चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये रहा आपका इंट्रो गाने के बारे में, पहले बाद में बात करेंगे, पहले इसकी थोड़ी बेसिक बातों के बारे में बताएं। तो देखो लिरिक्स को लिखा है इसमें जानी सर ने, उसके बाद जिन्होंने म्यूजिक दिया उनका नाम है विपराग, बाकी सिंगर तो यार गुरु सर है ही और उनके साथ देखने को मिलने वाले उर्वशी, बाकी गाने को डायरेक्ट किया रेमोड उसी ने। अब बात करें गाना हमें कितना पसंद आया, कितना अच्छा लगा, तो पहली बात तो जो यार मेरे रिएक्शन वीडियो देखते होंगे खासतौर पर गानों वाले, तो उन्हें पता होगा कि अगर जानी सर का नाम है और विपराग का नाम जुड़ा हुआ है ऊपर से गुरु राघव है, तो गाना मेरे को पसंद आया होगा। खासतौर पर वो अपना रीजन है क्योंकि यार इस समय यार वो दोनों ऐसे हैं ना, उनका नाम किसी भी गाने में जुड़ गया तो गाना सुपर हिट है। खास रीजन है कि उसमें जो लिरिक्स देखने को मिलते हैं वो लाजवाब, और वही काम यहाँ भी है। लिरिक्स के मामले में यार गाना अच्छा है और आपको पसंद आएगा, बहुत ज्यादा पसंद आएगा, खासतौर पर मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और भैया जानी सर का लिखा हुआ गाना और लिरिक्स खराब ऐसा हो ही नहीं सकता, सच में नहीं हो सकता। इस समय अगर सही बोला जाए ना तो सबसे बेस्ट गानों के जो लिरिक्स लिखते हैं वो हैं, चाहे उनके यार लास्ट गाने उठा के देख लो या फिर ये देख लो लास्ट यार अभी जितने भी गाने हैं, क्योंकि यार जो बंदे भी यार अच्छे गाने सुनने वाले उनको ये सारे गाने पसंद आएंगे खासतौर पर उनके लिखे हुए। बाकी उसके बाद गाने में म्यूजिक भी प्रक का आउटस्टैंडिंग, वो भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और उससे लिरिक्स का लेवल तो और ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी उससे बाद गुरु रामदा की आवाज क्या चाहिए यार, जब ये तीनों यार एक ही गाने में आपको देखने को मिले तो आपको यार रिएक्शन की जरूरत है, जाके सुनो एंजॉय करोगे गाने को पक्का करोगे, क्योंकि यार जब एक अच्छा सिंगर एक अच्छे लिरिक्स को गाएगा तो पसंद तो आने ही वाला है ना, ऊपर से यार एक अच्छे म्यूजिक के साथ। तो ओवरऑल मतलब यार मैं पहली बोल दूं गाना बहुत ज्यादा अच्छा है, बाकी उर्वशी रौतेला भी अच्छी है और पसंद आने वाली है, तो अगर आप उनके लिए भी चाहो तो जाके देख सकते हो। ओवरऑल गाना मतलब अच्छा है खासतौर पर लिरिक्स वाइज या फिर यार सिंगर की आवाज के लिए, बाकी हर चीज यार गाने में अच्छा है। अगर आपको एक अच्छा गाना सुनना हो तो जाके देख सकते हो। हाँ एक घंटा का वेट मत करना क्योंकि एक घंटे बाद एक और गाना आने वाला है, उसका रिएक्शन भी करेंगे और पक्का उम्मीद है कि वो गाना कुछ ना कुछ कमी निकलने वाली है। हाँ अगर समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, जी हाँ सलमान भाई का गाना दिल दे दिया है, अब देखते हैं वो गाना कैसे निकलता है, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। पर फिलहाल ये गाना यार अच्छा है, आपको पसंद आएगा तो फिर जाओ सुनो एंजॉय करोगे। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ बोलना कमेंट बताना। अगर आपने गाने को सुन लिया हो तो जाकर कमेंट बताओ कि आपको गाना कितना अच्छा लगा, आप यार जानी के फैन हो या नहीं हो, आप गुरु रामदेव के फैन हो या नहीं हो, या फिर आप बी पराग के फैन हो या नहीं हो, तीनों के बारे में जाकर बता सकते हो। जिसके भी फैन हो जाकर कमेंट कर दो, और आपको यार गाना सुनकर मजा आया नहीं है ये जाकर कमेंट बताओ, आराम से बताओ। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो को लाइक करो। और हाँ भाई लोग यार एक बात और है, जैसे तुम्हें पता है एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है लोल हंसे तो फंसे, तो यार इसका रिएक्शन चाहिए क्या, इसका रिव्यू अगर चाहिए तो जाकर कमेंट में बताओ। और अगर आप लोगों ने देख लिया हो इसको तब भी जाकर कमेंट में बता सकते हो कि आपको कितनी अच्छी लगी, क्योंकि अभी मैंने इसको देखा नहीं है। अगर आप लोग बोलोगे तो रिएक्शन करेंगे इसका, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है सीरीज तो जाकर कमेंट में बता सकते हो, तो यार मैं इसको देखूंगा और इसका रिव्यू करूं। अगर खराब होगी तो नहीं देखेंगे, क्यों टाइम पास करें, तो आप जाकर कमेंट में बता सकते हो।